वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद फानंद में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसकी अवधि दो बार बढ़ा दी गई है। तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते काम धंधों को बंद करने का फैसला किया गया और लोगों से घर पर रहने की अपील की गई। लोगों को घर पर रहते हुए एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने लोगों को कुछ राहत भी दी है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3 को कुछ राहतों के साथ लागू किया है, जिसमें लोगों को काम पर जाने जैसी कई तरह की छूट दी गई है। दिल्ली में लोगों को 4 मई से लॉकडाउन 3 में कई तरह की राहत दी गई है। दिल्ली सरकार ने रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की दी गई रियायतों को लागू करने का फैसला किया है। कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 4 मई से गैर जरूरी वस्तुओं की भी सभी दुकानों, 33% स्टाफ के साथ कार्यालय को खोलने और कुछ कारोबारी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि राजधानी में अभी मॉल और बाजार बंद ही रहेंगे। इन रियायतों के बाद दिल्ली की जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब दिल्ली में लॉकडाउन खोलने का समय आ गया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लॉकडाउन के समय को हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसका हमने बखूबी लाभ उठाया है। हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं, अस्पताल तैयार कर लिए हैं, ऐसे में हम लॉकडाउन खोलने को पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी दिल्ली को ग्रीन जोन में कर दिया जाए, ताकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। लोग दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे, अब इससे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और बहुत ज्यादा दिन हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जब सारी अर्थव्यवस्था बंद है तो सरकार का रेवेन्यू आना बंद हो गया है, तनख्वाहें कहाँ से देंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। पिछले महीने अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था, इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी। तो अब अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि लॉकडाउन के पीरियड को हमें तैयारी करने के लिए, कोरोना की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को रेड जोन घोषित करने से मुश्किलें बढ़ी हैं, जिसके चलते कई लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं और दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये जरूरी है कि दिल्ली के इलाकों को रेड जोन से ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने रेड जोन वाले इलाकों में भी छूट देने का ऐलान किया है। अगर लॉकडाउन पूरी तरह से दिल्ली में खोल दिया जाता है, हमने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को कि जो जो कंटेनमेंट जोन है दिल्ली के अंदर, लगभग 97 कंटेनमेंट जोन्स बचे हैं, जो जो कंटेनमेंट जोन है उनके उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाए और बाकी दिल्ली को ग्रीन कर दिया जाए, बाकी दिल्ली के मार्केट खोल दिए जाएं। मार्केट में चाहे तो ऑड इवन कर दें, एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगे, एक दिन इवन दुकानें खुलेंगी। लेकिन अब दिल्ली को खोलने का समय आ गया है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम केंद्र सरकार से बात भी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द दिल्ली के मार्केट भी खुलेंगे, अर्थव्यवस्था भी खुलेगी। अगर हम बात करें दिल्ली में 4 मई से छूट दिए जाने वाली चीजों की, तो इसमें प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों को 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है। निजी वाहनों में पीछे की सीट पर 2 लोग और मोटरसाइकिल पर 1 व्यक्ति को सवार होकर बाहर निकलने की अनुमति होगी। सुबह 7 से शाम के 7 बजे के बीच लोगों को जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। सहायिका को भी काम करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सोसाइटी के अंदर प्रवेश की अनुमति RWA से लेनी पड़ेगी। IT कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33% स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सुविधाओं के काम फिर से शुरू हो सकेंगे। सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी, उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। अगर साइट पर मजदूर उपलब्ध हैं तो निर्माण कार्यों को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। कॉलोनियों और घरों के आसपास की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी। आईटी हार्डवेयर, ई कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी। कुरियर, पोस्ट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिलेगी। कूड़े कचरे के प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं को भी अनुमति मिलेगी। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और पुलिस की सहायता भी मिलती रहेगी। इन सेवाओं के लिए जरूरी कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। शादी के मामले में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा, जिसके चलते काम धंधों को बंद करना पड़ा, जिससे उन गरीब लोगों को परेशानी हुई जो रोज कमाते खाते थे। नौकरी पैसे वाले लोगों को भी घर पर बैठना पड़ा। देश में लॉकडाउन जारी है, ऐसे में इन सब के बीच अचानक से इतनी रियायतें देना किस हद तक सही है। एक ओर जहां दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन रियायतों के बाद कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। साथ ही दिल्ली में आम जनता को ट्रैफिक जाम से भी दो चार होना पड़ सकता है।